निश्चित रूप से उभरता भारत और भारत के बारे में आज पूरे विश्व में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत पूरे विश्व में सबसे युवा देश है और आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, जो हमारे युवा हैं, वही देश को आगे ले जाने में बहुत सक्षम होंगे। क्या बात, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। कुश्ती में, खेलों में मेडल्स लेकर आ रहे हैं बिहार वाले बच्चे, सरकारी परीक्षा पास कर रहे हैं, यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश वाले बच्चे भजन, कावड़ी यात्रा, हर जगह पूजा पाठ में अव्वल है, और वो ही जो झांकी है मुझे यहाँ पर देखने को मिली। ठीक है, भगवान आराधना करनी चाहिए। कैसे हैं आप सब लोग? We are fine. How are you? हम भी बहुत बढ़िया। तो कौन से स्कूल से आए हैं आप लोग? पब्लिक स्कूल, फ्रॉम वीके मेमोरियल पब्लिक स्कूल। ओके, कौन से क्लास के स्टूडेंट हैं आप? कौन से? CBSE। या बड़ा बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस होगा इस टाइम तो आप लोगों को? yes. पढ़ाई का फिलहाल तो स्ट्रेस फ्री होके बैठे हैं, डांस करेंगे। मजा आ रहा है? हाँ? अच्छा, डांस भी करने वाले हैं? yes. कौन कौन करने वाला है डांस? हम भी। क्या बात। और गाना कौन गाने वाला है? गाना तो पता नहीं, आप ही गाओगे गाना? तो नहीं, हम तो नहीं, आप बताइए ना, आपको किसने बताया कि हम गाना गाएंगे? मेरी बहन ने बताया, वो भी कल आई थी यहाँ पे। आपकी दीदी का नाम क्या है? छोटी बहन है मेरी, ओवी शर्मा। ओवी शर्मा जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका कि आपने अपनी दीदी को बताया हमारे बारे में। आपने देखी थी क्या वीडियो? यस yes. आपकी सिंगिंग की, डांस की भी वीडियो देखी थी। वो कल आई थी? यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी आप लोग कुछ तैयारी करके आए हैं? हाँ नहीं, फिलहाल अभी हमें अभी पता चला कि डांस भी करना है, अभी तो फिलहाल हम एग्जीबिशन की तैयारी करके ही आए थे, पता नहीं था डांस भी करना है। क्या बात, ये भी बढ़िया है ना, एक चांस मिल गया। अच्छा अच्छा, मिलकर एक गाना गाओगे? आपके साथ गाएंगे। कौन सा? कल आपने कौन सा सॉन्ग गाया था? कल भी आपने गाया था, उसने मुझे बताया। मैं तो कोई भी गा देता हूँ, आप लोग बताओ ना, आपको कौन सा पसंद? स्टार्ट करो, हम आपका साथ दे देंगे। मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल न लगाए कोई, चंदा भी दीवाना है तेरा, जलती है तुझसे सारी चकोरियां, काजल की आवाज लाउड ले जाने, कितनों की लव स्टोरिया, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाल लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रह सारी तेरी खैर मनाऊं। यार खाना नहीं खाया क्या आप लोगों ने? अभी नहीं खाया, सुधा से नहीं खाया। आप लोगों को कैसा लगा गाइस मेला आज का? So beautiful, so elegant, क्या बात, बहुत बढ़िया यार। मैं तेरे आँखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सोने जिया तेरे बगैर, तू मान मेरी जान, मैं जाने
बार अपने लिए जोरदार ताली बजा दो यार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप लोग सब लोग बहुत ही अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो हैं आईपीएस स्कूल से, तो बात करते हैं मैम से। हेलो मैम, कैसे हैं आप? आई एम फाइन थैंक यू। माय नेम इज प्रवीणा, आई एम कमिंग फ्रॉम इंद्रप्रस्थ पब्लिक स्कूल। कैसा लगा एग्जीबिशन? एग्जीबिशन बहुत अच्छा है, इसके अंदर बहुत नॉलेजफुल चीज़ें भी हैं बच्चों के लायक, और बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया है एग्जीबिशन के अंदर में। बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट चीज़ें हैं, आयुष विज्ञान के बारे में है जो कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा और जाना, बहुत अच्छा लगा उसके बारे में सुनकर। तो बाकी सारी चीज़ें बढ़िया लगी एकदम? यस, बहुत अच्छा लगा है। स्टूडेंट्स का कैसा रिस्पॉन्स रहा? स्टूडेंट्स आर ऑल्सो इन्जॉइंग दिस। क्या बात। तो मैम हमारे साथ दूसरी मैम भी है, मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी है, मैं भी आईपीएस से हूँ। तो हमारे बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय करा यहाँ पर आके, उनको काफ़ी चीज़ें मिली जानने के लिए, और उससे इनक्रेज हुआ उनको कि आगे अपने स्कूल में इस टाइप के एग्जीबिशन वो भी ऑर्गेनाइज करें। हाँ जी। आपको बड़े सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? सबसे अच्छी यहाँ पर मेरे को यही लगा कि यहाँ पर जो आयुर्वेदा के बारे में बताया गया, जिसके बारे में कि बहुत कम नॉलेज बच्चे रखते हैं, तो वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। क्या बात क्या बात मैम। तो अभी बच्चों को आप ऐसे एग्जीबिशन्स में लाते रहते हैं, ये पहली बार कोई चांस मिला है? वैसे एग्जीबिशन्स में हम इनको लेकर जाते रहते हैं, लेकिन इनका मेनली एजुकेशनल टूर होता है। ये इनका एक वैसा एक ओपन टाइप स्टेज है जहाँ पर मल्टीपर्पज़ है, यहाँ पर बच्चा अपनी भी परफॉर्मेंस दे सकता है, प्लस दूसरों के देख भी सकते हैं। क्या बात मैम क्या बात मैम। कदी ते हंस बोल वे ना दिंद साडी रोल वे, कदी ते हंस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे आजा दिल जानिया वे कर मेहरबानिया, कदी ते हंस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे। क्या बात मैम क्या बात, बहुत ही अच्छा गाया। एक एक वो सॉन्ग सुना सकते हैं आपने, वो पंजाबी खिड़का दी तो एक मेरी आँख काशनी, पूरा नहीं आता बेक मेरी अख काशमी, दूजा रात दे हनेरियां ने मारिया, बेक तेरी अख काशमी, दूजा रात दे हनेरियां ने मारिया। थैंक यू। वे शीशे नू तरेड़ पै गई बाल महारानी। मैम ये बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच। अब गाइस एक सब लोग सुना दो। क्या बात क्या बात। बहुत बढ़िया गाइस बहुत बढ़िया। गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, बहुत अच्छे आप लोग। जो केशी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, जो केशी।
बार और क्या नहीं। बेटा बच्चों को बेटा प्रोग्राम स्टार्ट है, प्रोग्राम स्टार्ट करवाना है। Thank you.
है हिंडन किनारे वाली। हिंडन किनारे वाली छोरी के लिए तालियां हो जाए। ये जो पीछे से नारे लगाते हैं ना बच्चे, बेटा नारे लगाने में रह जाओगे, बस पढ़ भी लिया करो। तो प्रधानमंत्री जी, देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की रूपरेखा छात्रों को दिखाई जा रही है। इसमें बहुत सारे गाज़ियाबाद के प्रबुद्ध नागरिक, किसान भाई भी यहाँ पे आए हैं, व्यापारी भाई भी यहाँ आए हैं। सरकार की जितनी योजनाएं हैं जो देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में सहायक होंगी, उन सबका यहाँ डिस्प्ले किया गया है। बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स किस प्रकार काम कर रहे हैं वो यहाँ दिखाया गया है। बहुत सारे हमारे जैसे DRDO है, इसरो है, और हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, कुछ स्कूल कॉलेज हैं, वो सब अपने नए नए इनोवेशन यहाँ पे दिखा रहे हैं। मुझे लगता है इस एग्जीबिशन से गाज़ियाबाद और आसपास के जनपद की जनता को बहुत लाभ होने वाला है जिन्होंने इस एग्जीबिशन को विज़िट किया है। सर, जो स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, वो भी इस इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं, लगता है कि वो भी इससे कनेक्ट हो पाएंगे? नहीं, निश्चित रूप से उभरता भारत और भारत के बारे में आज पूरे विश्व में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत पूरे विश्व में सबसे युवा देश है, और आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं, जो हमारे युवा हैं, वही देश को आगे ले जाने में बहुत सक्षम होंगे। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, यहाँ पे हम लोगों ने सरकारी स्कूलों के छात्रों को इम्पोर्टेंस दी है। जो अंडर प्रिविलेज छात्र हैं उनको हमने यहाँ पे बुलाया है, और उनका एक हैप्पी डे कैसे बने वो यहाँ पे एक एग्जीबिशन देखें, उनके लाने ले जाने की व्यवस्था की है, उनको गिफ्ट दिए जा रहे हैं, और उनको भी लगे कि वो देश की मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें हम सफल हो पाए हैं। और मेगा एग्जीबिशन राइज इन इंडिया 2023 जिसका आज तीसरा दिन है, निश्चित रूप से बहुत सफल हो रही है। नमस्ते, कैसे हो? मैं सर, आपका आशीर्वाद है बहुत। ठीक है सर, अगर 2 मिनट का समय आपके पास हो तो हम सभी आपको सुनना चाहेंगे। डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी, तालियों के साथ स्वागत करें। राइज इन इंडिया 2023 मेगा एग्जीबिशन का आज अंतिम दिन है, और निश्चित रूप से बहुत अच्छी एग्जीबिशन चली है। सभी एग्जीबिटर्स ने बहुत अच्छे स्टॉल लगाए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं, बहुत सारे प्रबुद्ध नागरिक, एजुकेशन फ्रेटर्निटी से जुड़े लोग यहाँ आए हैं। मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ, और विशेषकर से तरमे इवेंट्स, तरुण जी और महक जी, जिन्होंने दिन रात मेहनत की है, और सभी एग्जीबिटर्स ने जिस प्रकार से सबको समझाया है, बताया है। तो जो हमारा एग्जीबिशन का मुख्य उद्देश्य था, मुझे लगता है उसको पूरा करने में हम सफल हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 2047 आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ तक
विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है, मुझे लगता है उसमें भी हम कहीं ना कहीं सहायक होंगे। हमारे विद्यार्थी जो बहुत ही योग्य हैं, बहुत ही सीखने की ललक है, निश्चित रूप से उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा। और मैंने देखा सबसे ज़्यादा जो यहाँ एग्जीबिशन में आए, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे आए, जिनके बारे में या जिनको कम फैसिलिटीज़ रहती हैं या जिनको उतनी ज़्यादा एक्सपोजर नहीं हो पाता, तो जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, उनके लिए तो ये मुझे लगता है बहुत ही बड़ा वरदान साबित हुआ है। मैं इस कॉलेज के वाइस चेयरमैन अंजुल अग्रवाल जी, डायरेक्टर श्री एन के शर्मा साहब और जितने भी हमारे ग्रुप डायरेक्टर हैं, फैकल्टी मेम्बर्स हैं, उन सबका भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। यहाँ हमारे यहाँ जॉइंट डायरेक्टर साहब भी मंच पर उपस्थित हैं, मैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ। और सभी एग्जीबिटर्स पार्टिसिपेटर्स जिन्होंने बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छे से समझाया, उनका पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मुझे आशा है कि 2024 में हम लोग और बड़े एग्जीबिशन के साथ यहाँ आएंगे। और तब तक के लिए आप सबसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच मुख्य अतिथि के तौर पर आज श्री वीके सिन्हा जी हैं। श्री सिन्हा हैड एन आउटस्टैंडिंग सर्विस फॉर मोर देन 25 इयर्स। ही जॉइन भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर इन 1996। प्रेजेंटली ही इज हेडिंग ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप एट बहादुरगढ़, हरियाणा। तारीफ के साथ एक बार पुनः स्वागत करें। और सर, हम सभी आपको सुनना चाहेंगे, आप यहाँ पर आए कि हम सबके लिए सौभाग्य है।